गुरुजी को प्रणाम। शुक्राना गुरुजी कि आपने अपना गुणगान करने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, आपने इस काबिल समझा कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कर कृपा तेरे गुण गावा, इसका मतलब जो हम लोग समझते हैं, जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी हम ये समझते थे कि कुछ कृपा करो तो हम आपका गुणगान करें, पर गुरुजी के साथ जुड़ने पर समझ आया कि इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि गुरुजी हमें इस काबिल करो कि हम आपका गुणगान कर सके। हमें तो आपका गुणगान करना भी नहीं आता, आपने इतना आशीर्वाद इतना प्यार हमें दिया है कि हर क्षण 24 घंटे भी अगर हम गुरुजी का शुक्राना करें तो वो भी बहुत कम है। जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ गई, अब एक गुरुजी से मिलने से पहले और गुरुजी से मिलने के बाद। अगर पीछे की जिंदगी देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है, और गुरुजी के मिलने के बाद ये जिंदगी इतनी प्यारी लगने लग गई कि ये तो खत्म ही ना हो, कि गुरुजी रोज हर रोज सत्संग है जिंदगी में, पर हमें समझना ही नहीं आता। गुरुजी हमें हर क्षण इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हमें ही नहीं लेना आता। हमें गुरुजी ने अपने पास बुलाया 2008 में दिवाली के बाद, हमें 2-3 महीने से गुरुजी बुला रहे थे। हमारे नेबर्स हैं वो हमें गुरुजी के पास लेके गए, पर वो मेरी मदर इन लॉ को हमेशा कहते थे। मेरे अंकल बहुत बीमार रह रहे थे, 2007 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, उसके बाद मेरे अंकल डिप्रेशन में चले गए क्योंकि अचानक ही डेथ हो गई, और किसी भी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता था। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, पर किसी में कुछ आता ही नहीं था कि कोई बीमारी पता चले। और रोज अंकल को बुखार हो जाता था दोपहर को 3 बजे, और फिर जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया तो हर डॉक्टर यही कहता था डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की दवाइयां खानी शुरू करी तो उससे अंकल सोते रहते थे। और वो टाइम ऐसा था, मेरे 2 बेटे हैं, एक 10th में था एक 12th में था, और बच्चों की स्कूल की बस यहाँ गुड़गांव आती नहीं थी, रोज दिल्ली अप डाउन करना होता था। तो लाइफ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि बच्चों को संभालूं, अंकल को संभालूं, या मदर इन लॉ को संभालूं, या बिजनेस संभालूं, कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर यही बोलती थी कि परमात्मा कुछ तो करो। मैं बचपन से गुरु परिवार में ही पैदा हुई, मेरे पेरेंट्स आनंदपुर ट्रस्ट मध्य प्रदेश, वहां गुरु महाराज जी को मानते थे। मैं बचपन से ही गुरु दरबार जुड़ी हुई थी, तो पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। कभी देवी देवताओं में विश्वास नहीं किया, तो पर उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि जो भी कोई कुछ कहता था मैं करती थी कि मेरे अंकल ठीक हो जाएं। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, मंगलवार को हनुमान जी का पूरा वो श्रृंगार कराना, एक बुधवार छुट्टी होती थी, वीरवार को निजामुद्दीन दरगाह जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना 12 खंबा रोड, और उसके बाद निजामुद्दीन दरगाह होके वापस अपनी शॉप पे आना, और शुक्रवार को भी कुछ करना होता था, शनिवार को फिर शनि मंदिर। तो समझ ही नहीं आता था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ पर मैं कुछ दिल से कर ही नहीं रही थी। फिर एक दिन मैंने प्रेयर करी कि परमात्मा कुछ तो, किसी घड़ी मैंने आपका ईमानदारी से आपको मेडिटेशन करी होगी, सिमरन किया होगा, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मुझे कोई ऐसा दरबार दे दो जो मेरे घर के पास हो, जहां मैं वैसे ही जाऊं जैसे मैं बचपन में सेवा करती थी, मेरे बच्चे भी सेवा करें, सेवादार बने। ये मैंने
एक दिन प्रेयर करी और उसके नेक्स्ट डे से मेरे को गुरु जी का बुलावा आना शुरू हो गया। वो हमारी आंटी, वो कहते थे कि एक गुरु जी है, तो मेरे अंकल का नाम दीपक है, कि दीपक को वहां लेके चलो, हम वीरवार को जाते हैं, तो आप चलो तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं कहती थी, मैं डर गई थी कि मैंने मतलब इतना कुछ करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल बिलीव नहीं करती इन सब चीजों में, तो मैं उनको और क्या बोलूं कि अब ये और कोई गुरु जी है वहां जाना है। तो एक दिन मैंने कहा, आंटी आप दीपक को ही बोल दो, आप घर आओ उनसे मिलो। तो उन्होंने मेरे अंकल को बोला, तो अंकल ने मेरे से डिस्कस किया कि वो आंटी ऐसे कह रहे थे, तो हम चलते हैं। मैंने कहा देख लो मम्मी क्या कहेंगी, तो कहते कोई बात नहीं, कोई गुरु जी कह रहे हैं आशीर्वाद ही मिलेगा ना, चलते हैं, जहाँ इतना सब कुछ कर रही है तो ये भी कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो थर्सडे जैसे ही आया, शाम को जोत जलाई, तो मुझे मैं घबरा रही थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ को कैसे कहूँ। वो आंटी ने कहा था वहां 8 बजे जाप होता है, तो हम 7 बजे घर से चलेंगे, हम लोग गुड़गांव में रहते हैं डीएलएफ में। तो मेरे को ना टेंशन हो रही थी कि मैं मदर इन लॉ को कैसे कहूँ, वो कहेंगे लो आज फिर इसको कहीं जाना है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि कैसे कहूँ मम्मी को, इतने में मेरे को एक आवाज आती है, हुन असी बुला रहे हैं, तो सोच दी कि सही है। एक्चुअली मैं अपने रूम में देख रही हूँ, राइट लेफ्ट ऊपर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने ज्योत की तरफ देखा तो ज्योत हिल रही थी। फिर वही आवाज आई, हुन असी बुला रहे हैं, तो सोचती की पई है। तो मुझे लगा ज्योत में से आवाज आ रही है। फिर मैं उठी और मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गई। मैंने कहा मम्मी ऐसे आंटी कह रहे थे कहीं जाने के लिए गुरु जी के। कहते हाँ हाँ, वो तो मेरे को 2-3 महीने से कह रही है, मुझे तो याद ही नहीं रहता तुमको कहना, तो तुम जाओ। मैंने कहा मम्मा दुकान पे भी जाना है। कह रहे नहीं, वहां मैं चली जाती हूँ, तो तू दीपक को ले जा। ऐसे हम गुरुजी के पास पहुंचे। सारे रास्ते आंटी ने कोई बात नहीं कही कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है या गुरुजी नहीं है वहां पे, बस इतना बोला कि वहां लंगर मिलेगा, वो जरूर खाना है। तो तब मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती थी। मैंने कहा आंटी आपने बताया नहीं, मैं तो खाना खा के आई हूँ, कि कोई बात नहीं खा लेना। अब हम वहां गए, जैसे ही मैंने गेट के अंदर पैर रखा, फिर वही आवाज आई, जिथे पहुंचना सी पहुंच गई है। मैं फिर राइट लेफ्ट देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आंटी ने पूरे रास्ते में भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया था 8 बजे जाप होता है, वो बहुत उस टाइम मंदिर की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो उस टाइम जरूर पहुंचना होता है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, हमने समाधि पे मत्था टेका और फिर हॉल में गए, वहां मत्था टेका, बैठे। हाँ, जैसे ही मत्था टेक के बैठी, मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है वहां पे। और हमने वहां लंगर किया, लंगर में अंकल को 2 मिर्ची प्रसाद, 2 मिर्ची लाल मिर्ची, इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची आई, तो हमें पता ही नहीं था कि लंगर पूरा खाना होता है या कुछ भी। वो अंकल ने अपना लंगर खाया, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते थे तो चेयर पे बैठे थे, तो वो मिर्ची साइड पे रख दी, छोड़ दी। जब सेवादार अंकल लेने आए प्लेट, तो उन्होंने कहा अंकल ये तो आपको खानी पड़ेगी। वो कहते मैं खा ही नहीं सकता, मैं कैसे खाऊं, कि ये तो आपकी स्पेशल ब्लेसिंग है। फिर अंकल ने कहा कि ठीक है, अगर खानी है तो आप मेरे को फिर एक रोटी प्रसाद और दे दो, मैं उसमें रोल करके खा लूंगा, ऐसे तो नहीं खा सकता। तो अंकल ने फिर वो मिर्ची खा ली, और जो मेरे अंकल 1.5 साल से दुकान पे जा नहीं पा रहे थे, वो एक लंगर प्रसाद खा के नेक्स्ट डे वो शॉप पे गए। और हम मैं इतनी हैरान थी कि ये क्या हो गया, कि जो उठ नहीं सकते थे बेड से बाथरूम तक जाने में, एक साइड से मैं पकड़ती थी, एक साइड से मेरे मदर इन लॉ पकड़ते थे, जब वो चलते थे मुझे हमें लगता था ये अभी गिर जाएंगे, और वो नेक्स्ट डे उठ के दुकान पे गए। फिर हमने ये सोचा
कि हम, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसे पता नहीं था, तो ऐसे अपने आप से कि हम ना साथ सैटरडे जाएंगे, थर्सडे नहीं जाएंगे, अब हम साथ सैटरडे जाएंगे। फिर हम जब नेक्स्ट सैटरडे, थर्सडे के बाद हम सैटरडे को फिर चले गए, वो सैटरडे गए, फिर हम जब वापस आए तो हमने रास्ते में एक दूसरे को यही कहा, कोई काउंटिंग नहीं करनी। वो सैटरडे और आज, अब बस ये लॉकडाउन में जो सैटरडे मिस हुए, उसके अलावा हमने कभी दुनिया में कुछ हो जाए, हम कभी सैटरडे मिस नहीं करते। मैं ये कहूंगी हम क्या नहीं करते, गुरुजी मिस नहीं कराते, क्योंकि गुरुजी हमारे समझते हैं, हमारी भावनाएं समझते हैं। बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही विश्वास बनाए रखे हैं हमारा। ऐसे अंकल ठीक हो गए, उसके बाद हमने आके बच्चों से बस शेयर किया कि वहां पे क्या क्या था, और गुरुजी को याददाश्त करी थी कि गुरुजी बच्चों को भी बुलाना। तो बच्चों ने खुद ही कहा कि आप कहाँ जाते हो, हम भी आपके साथ जाएंगे। और गुरुजी ने तब से बच्चों को ऐसे संभाला है कि सब कुछ बच्चों के काम अपने आप होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, कुछ हमें करना ही नहीं पड़ता। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि लाइफ में ऐसा टाइम भी आया कि हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। मेरे फादर बहुत नाराज हो गए कि तुम, ऐसा कौन सा गुरु तुम्हें मिल गया जो तुमने अपना बिजनेस बंद कर दिया, गुरु तो 1 से 10 करते हैं। फिर उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी, और आज गुरुजी ने मेरी सारी फैमिली को अपना, अपने दरबार बुला लिया है और सब गुरुजी को मानते हैं। इसके बाद जो सबसे सत्संग तो बहुत हुए, जो बहुत सबसे बड़ा सत्संग हुआ 2014 में, मेरा बड़ा बेटा उदय, उसकी उसकी आईज का विजन चला गया, उसकी MBA कंप्लीट हुई, और हमारे घर सुबह लेटर आया कि उदय को जॉब मिल गई एक्सेल कैटलिन में। तो हम बहुत खुश थे, बहुत खुश कि लोग MBA करके भी बैठे रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती, पर गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी मेहर से अभी कंप्लीट ही हुई और आपने जॉब भी दिलवा दी बेटे को। महाराज आपका लख लख शुक्राना। ये सुबह अरदास करी और शाम को मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा मेरी आईज में विजन नहीं है। मैंने कहा बेटे बोल क्या रहे हो, थोड़ा सोच तो लो कि हाँ मम्मा मैं सच कह रहा हूँ। तो मेरे पैरों के नीचे तो जमीन निकल गई कि गुरुजी ये क्या हुआ, सुबह तो मैं नाच रही थी, मैं इतनी खुशियां मना रही थी, अब ये एकदम से क्या हो गया। और हमने बस 15 दिन बाद हमने अमेरिका जाना था, अंकल को एक प्रोजेक्ट मिला था 2013 में, हम तब जा नहीं सके क्योंकि मेरे मदर इन लॉ गिर गए थे। अब हमने 15 दिन बाद जाना था और ऐसे बेटे ने ऐसे कहा कि मेरी आईज में विजन नहीं है, समझ नहीं आया क्या करूं। पर उसने बताया ही रात को था 8 बजे। बस गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी की करना है, केड़े डॉक्टर को ले जाना, तुसी आपे देख लेना। सुबह हमारे नेबर्स में किसी ने आईज का ऑपरेशन कराया था, तो फिर उनसे पूछा, मेरे को उस डॉक्टर के पास मैं लेके गई, मैंने फोन किया तो जानते थे हमारे को, लेडी डॉक्टर थी, वो निर्वाणा में थी डॉक्टर, तो उन्होंने शाम की अपॉइंटमेंट दी। तो DLF में इतना ट्रैफिक होता है, हम Phase 3 में रहते हैं एम्बियंस की बैक साइड पे, तो यहाँ से निर्वाणा जाना कम से कम 45 मिनट to 50 मिनट लगते हैं। पर गुरुजी जब साथ चल, हमें लेकर चलते हैं, तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। गुरुजी को बोला, गुरुजी चलो हुन जिन्हों दिखाना दिखा दियो। वहां गए, डॉक्टर ने चेक किया और पूरी आई ड्रॉ करके बताया कि इसकी कॉर्निया पे ब्लैक स्पॉट्स हो गए, जो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे, इसकी आईज बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, इसको हर 5 मिनट बाद आई ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे।
कहीं भी हो, मतलब ये बिना उसके काम नहीं कर सकेगा, कभी रात को ड्राइव नहीं कर सकेगा, और लाइफ लॉन्ग इसका आयुष का विजन ऐसा ही रहेगा। एज ए मदर मैं वहां सुन भी नहीं पा रही, पर मैं अंदर कह रही हूँ, गुरु जी शक्ति देना, कृपा करना, बच्चे दी हुन जिंदगी शुरू हुई, क्योंकि जदों दे जम्मे तां दे पढ़दे ही पैन, हुन पढ़ाई खत्म हुई, हुन ते जिंदगी इंजॉय करनी है ने, पर एकदम की हो गया। पर अंदर से एक आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं, आप मेरी टेस्टिंग ले रहे हो, ले लो, तो अब तो करना ही है मुझे। बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके घर आई, रोना बंद नहीं हो रहा था, पर ये था कि मैं रोऊंगी तो उसको कैसे हिम्मत मिलेगी, और फिर हमने जाना भी है। मन ही मन पूरे रास्ते ड्राइव करते करते गुरु जी से लड़ रही हूँ, मन ही जो भी मन में आ रहा है बोल रही हूँ, गुरु जी की किता कितने कमी रह गई मेरी श्रद्धा विश्वास है। तो मेरे को एक आवाज आती है, वही आवाज जो मेरे को फर्स्ट डे आई थी, अमेरिका चलिए, रोन नहीं कहते हैं, रोन भी क्यों है, अमेरिका चलिए जा, उसे जाके सत्संग करी, बड़ा बड़ा सत्संग होएगा। सुनकर भी नहीं सुना, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं हम तो सुनते ही नहीं किसी की, हम तो अपने ही बोलते रहते हैं। घर पहुंची, घर पहुंच के दवाई का लिफाफा उठा के गुरुजी के स्वरूप पे फेंक दिया, लिटरली फेंका, रखा नहीं था मैंने, मैंने कहा ये पड़ी है नहीं डालूंगी, आपका बेटा है, आपने अपना बच्चा मुझे दिया, मैं तो सिर्फ केयर टेक करूं, आप जो जो कहते हो मैं करती रहती हूँ, मुझे तो आप मिले नहीं, इन बच्चों की वजह से आप मुझे मिले, इन बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है जो इनको इस एज में आप मिले, आपने संभाला, तो आप ही ठीक करोगे, मैं दवाई नहीं डालूंगी। घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे एक जल का ग्लास रखती थी, वो उठाया, चम्मच से जल लिया, ड्रॉपर लिया, और मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा उदय लेट जा बेटे, गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे, तेरी मम्मी की कोई परीक्षा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रही है। 15 दिन बाद उसने बुलाया, तू 15 दिन बाद जाएगा ना बेटा, तू बिल्कुल ठीक होएगा। तो डॉक्टर ने हर 5 मिनट बाद दवाई डालने को कहा, हम दवाई नहीं डालेंगे, हम हर 5 मिनट बाद गुरुजी का जल डालेंगे। संजय जी मैं जल मंदिर से नहीं लाई थी, जो घर में गुरुजी के आगे जल रखती थी बड़े प्यास और श्रद्धा विश्वास के साथ, वही अमृत है, वही वही जल डालती थी। जैसे ही जल डाला, जय गुरुजी बोल के जल डाला, और वो ऐसे तड़फा कि जैसे मैंने उसकी आंखों में प्याज का पानी निचोड़ के डाल दिया हो। तो मैंने बोला ट्रीटमेंट स्टार्ट, बेटे गुरुजी ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। पर मदर एज ए मदर अंदर से डर भी लग रहा था कि क्या हो गया बच्चे को, पर एक विश्वास था, एक विश्वास था कि गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। पर वो जो आवाज मैंने सुनी थी वो मेरे को याद नहीं थी बिल्कुल। तो मेरे अंकल ने फिर बोला कि ठीक है जल डाल रही है, चल जल डाल दिया, अब दवाई भी डाल दे। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगी, आपको दवाई डालनी है डालो, आप मेरे और गुरुजी के बीच में मत आना। मैं जल डालती थी, अंकल दवाई डालते थे। और 10 दिन बाद फिर हमने जाना था, तो एक विश्वास ऐसा था कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो हम चले गए। और उसके एक हफ्ते बाद इसने डॉक्टर पे जाना था, तो 15 दिन बाद जब ये डॉक्टर पे गया, वो डॉक्टर हैरान थी जिसने मुझे ये कहा था कि कुछ भी नहीं होगा इस दवाई से, मैं बेसिक कंजक्टिवाइटिस की दवाई दे रही हूँ, इससे होगा कुछ भी नहीं।
वो ही डॉक्टर हैरान थी कि उसके 80% स्पॉट्स बिल्कुल क्लियर थे, साफ हो चुके थे, 20% रह गए थे। उसमें मैं एक जगह मिस कर दिया, जब डॉक्टर से आई तो नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला कि चल उधर मंदिर चलते हैं बेटे, सेवा लेते हैं। तो मेरे अंकल हंसने लग गए मुझ पे कि लोगों को सालों साल सेवा नहीं मिलती, तू सेवा लेने जा रही है। मैंने कहा गुरु जी दे देंगे। हम गए, हमने मत्था टेका, फिर हम ऑफिस में आ गए, वहां गौरव अंकल बैठे थे। तो मैंने बोला कि अंकल गुरुजी ने इसको जॉब दी है, तो अब गुरुजी सेवा भी दे रहे। कहते हाँ हाँ आंटी आ जाए, संडे नू आए, पार्किंग सेवा करे। मैं क्या अंकल अगर संडे भी जगह सैटरडे हो जाए, क्योंकि फिर मंडे ऑफिस जाना होएगा। तो कहना आंटी पंजा दिन तुहानू जेड़ा दिन चाहिए तुसी ले लो। मैंने कहा अंकल सैटरडे फाइनल। उसी टाइम सैटरडे के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको बुलाया, नंबर एक्सचेंज हुए और इसको सेवा मिल गई। बाहर निकल के मैं इतना रोई, इतना रोई, तो मेरे अंकल कहते अब क्यों रो रही है, अब तो खुश हो। मैं रो इसलिए रही थी कि उस डॉक्टर ने कहा था ये कभी भी गाड़ी नहीं, कार नहीं ड्राइव कर सकेगा रात को, और गुरुजी ने इसको पार्किंग सेवा ही दी। क्योंकि पार्किंग के सेवादार सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो ये इस 4 बजे इसको पहुंचना होता था और रात को ये 2:30 बजे घर वापस आता था। तो गुरुजी ने मेरे को तभी सिग्नल दे दिया, ये गाड़ी भी चलाएगा, ये सब कुछ करेगा। ऐसे गुरुजी ने उसको ठीक किया, जो 20% उसके रह गए थे स्पॉट्स। तो मैंने कहा बेटे ये 20% गुरुजी सेवा करा के तेरे बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक होगा। जैसे ही वहां पे बात हुई, तब हम अमेरिका में थे, गुरुजी को थैंक यू किया, फिर यही कहा रात को सोने से पहले, गुरुजी मैं किथे जावा, तुहाडा गुणगान किथे करा, इत्थे आए सानू हफ्ता हो गया, कोई शब्द नहीं सुनिया, कुछ नहीं, पता नहीं किथे जाके तुहाडा गुणगान करा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम ऑफिस जा रहे थे, तो रस्ते में मेरे फोन पे कॉल आई और वहां का लोकल नंबर था। मैं हैरान थी, मैंने अपना यहाँ का यूएस का नंबर किसी को भी नहीं दिया, मेरे को कौन फोन कर रहा है। मैंने फोन अटेंड किया, तो वहां से आवाज आई कि मैं मीरा जौहर बोल रही हूँ, मुझे आपका नंबर आपकी सिस्टर ने दिया है। तो मुझे याद आया कि 1 साल पहले जब 2013 में मैंने आना था, तो मेरी सिस्टर ने कहा था तू जाएगी तो मैं देखो एक नंबर दूंगी, उनको मिल के आना, वो तेरे गुरुजी को मानती हैं। तो पर मेरे को उनसे बात करते हुए भी याद नहीं आया, वो हमें अपने घर डिनर पे इनवाइट कर रहे थे, बात हो गई। जैसे ही फोन बंद करने लगी तो मुझे याद आया, ओ दीदी ने 1 साल पहले कहा था तो मैं भी ये वो ना हो। मैंने फिर बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप गुरुजी को मानते हो? तो वो बोली कौन से गुरुजी? मैंने कहा गुरुजी बड़ा मंदिर भाटी माइंस। तो वो आंटी ने आगे से हाँ नहीं बोला, वो आंटी आगे से बोली आपने कोई सत्संग करना है, बड़ा वड्डा सत्संग करना है। जब उन्होंने बड़ा वड्डा बोला तो मेरे को वो आवाज याद आ गई जो उस टाइम आई थी कि रोंदी क्यों है, अमेरिका चलनी जा, उत्थे जाके सत्संग करी, बड़ा वड्डा सत्संग होएगा। तब मेरे को वो आवाज याद आई, मैंने कहा हाँ जी मेरे को सत्संग करना है। तो वो कहती है कि फिर तो मेरे घर कल सत्संग है, आप आओ और सत्संग करो। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती है मैं 15 दिन से गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मेरे घर सत्संग है गुरुजी, मैं इतने सालों से लोगों को, यहाँ वो संगत है जो कभी बड़े मंदिर नहीं गई, जिनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं सिर्फ अपना ही सत्संग उनको सुनाती हूँ, तो इस पर कौन सा सत्संग सुनाना है गुरुजी? तो गुरुजी मेरे को एक हफ्ते से रात को ड्रीम में आते थे और कह रहे हैं कि एक इंडिया तो आंटी आएगी और सत्संग करेगी, बड़ा वड्डा सत्संग होएगा। संगत जी ऐसे गुरुजी हमें मिले हैं, हम बहुत कर्मों वाले हैं कि कोई
दुनिया के किस कोने में बैठ के अरदास करता है और गुरु जी कैसे पूरी करते हैं, कैसे सुनते हैं। ये तो हमें ही नहीं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार लेना ही नहीं आता। वो हर पल हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमें अपनी झोली भरनी नहीं आती। हम गुरु जी को तो मानते हैं, पर हम गुरु जी की नहीं मानते। जिस दिन हम गुरु जी की मानने लग जाएंगे, उस दिन हमारी इतनी झोलियां भर जाएंगी ना, हम दुनिया के सबसे अमीर, हम अभी भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है क्योंकि हमारे पास गुरु जी है। संगत जी, आज का सत्संग मैं यही करती हूँ, अब और संगत को मौका मिले। अब गुरु जी बस हमें ऐसे ही प्यार करते रहे, हमारा ऐसे ही हमें अपने चरणों के साथ जोड़ के रखें और हमारा विश्वास बनाए रखें। जय गुरु जी।